अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद करती हूं आप भी ठीक होंगे। तो ये जो है आपको गेहूं दिख रहे हैं, ये खिचड़े के गेहूं हैं और ये हम जो है सातवें चांद को शाम को लेकर आए थे, क्योंकि मुझे आठवें चांद में शाम को मुझे खिचड़े की नियाज को तकसीम करना था। गेहूं जो है मैंने रात को भिगो दिए थे और उन्हें मैंने सुबह में सारे कुकर में चढ़ा दिया था जितने भी मेरे पास थे, और दाल जो है मैंने सुबह में जल्दी से भिगा दी थी और मैं इसे लास्ट में बॉईल करूंगी। तो अब जो है मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि खिचड़े की जो रेसिपी है वो बहुत लेंदी होती है। तो मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे से क्लिप बता रही हूँ, आप उसे समझ जाइएगा। और ये फाइनली है जो मैंने खिचड़े तैयार कर लिए थे, तो फाइनली जो है मैंने ये खिचड़े के पतीले हैं जो तैयार करके रख दिए हैं। शायद ये वीडियो में छोटे नज़र आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ये दो बड़े हैं और इसमें तकरीबन एक में 15-15 से 16-16 किलो का मटेरियल आ गया था। तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन जो है नियाज मेरी बन गई थी। और मैं आपको जैसे मैंने तकसीम किया था वो क्लिप मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था। हम चार लोग बांट रहे थे, फिर भी हमारा हाथ में सही से काम नहीं हो रहा था। तो ये लास्ट है, मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल खाली है। तो जी, नौवें चांद जो है मैंने रेडीमेड जो नियाज मंगा ली थी और वही बांट दी थी। और ये है आशुरा का दिन, तो उस दिन मैं सुबह में जो है मैं भाजी और रोटी पे फातिहा दिलाती हूँ। तो ये सब किस्म की है जो मैंने भाजी मंगवाई थी और वो देख कर गया था भाजी वाला। तो ये अब हम क्लीन कर लेंगे और फटाफट से इसे बना लेंगे, क्योंकि मुझे 12 बजे पहले फातिहा दे देना है। तो सबसे पहले जो है मैंने उसमें कढ़ाई रखी है और उसमें तेल डाल दिया है 50 ग्राम के करीब, और उसमें प्याज काट के रखी है। और साथ ही मैं जो मैंने शाम की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए जो मैं शाम को बनाने लगी हूँ गोश्त वाली दाल और पुलाव, तो वो भी मुझे बांटना भी है और फातिहा अलग से दिलवाना है। तो ये सब कामों में मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां हैं जो मेरे हाथ बटा रही थी, और उन्हें बटाना भी चाहिए था और मैंने उनसे कहा भी था कि आप लोग आओ, क्योंकि फिर मैं ये सब जो काम कर रही थी साथ में मैं उन्हें वाकियात करबला भी सुना रही थी। और हर साल मैं उन्हें यही बात समझाती हूँ कि बेटा अगर आप में ये चीज़ें आएगी तो आपकी औलादों में भी आएगी, और ये हमारी माओं का ज़िम्मा है कि हम अपनी औलादों में ये सब चीज़ें डालें ताकि उन्हें पता चले कि वाकयात करबला क्या था और क्या सही था। तो अभी मैंने अक्सर जो है YouTube पे जो 2-3 वीडियोस देखी थी, तो उसमें किसी साहब ने कहा था कि ये तो दो शहज़ादों की लड़ाई थी। तो फिर मुझे बहुत गु़स्सा आ रहा था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, दो शहज़ादों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी हक और बातिल की। तो फिर मैंने इनसे मेरी बेटियों से यही कहा कि देखो बेटा, अगर आगे आने वाला वक्त जो है इसी तरह से गलत बातें बयान करेगा और तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम अपनी औलादों को क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे। और माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां को वाकयात करबला बाज़ुबानी याद है, और मेरे हस्बैंड भी इसमें सारी बातें इन्हें समझाते रहते हैं। तो फिर मैंने इनसे यही कहा था कि अगर आप सही से मालूमात रखोगे तो बेटा आने वाली हर नस्लें आपकी सही जाएगी। तो जिन साहब ने ये बात कही थी कि शहज़ादों की लड़ाई थी, तो फिर ये बात गलत बयान कर दी उन्होंने, क्योंकि बात अगर तख्तो ताज की होती तो जन्नत के सरदार हैं मौलाए इमाम हुसैन और हसन जो नवासाए रसूल हैं, उन्हें तख्तो ताज की कोई परवाह नहीं थी, बात बातिल और हक की थी। क्योंकि यजीद जो था मलून लानती, वो बिल्कुल अय्याश किस्म का था और वो इतना बेगैरत इंसान था कि उसके हाथों में बैत करना मेरे मौला हुसैन को कभी गवारा नहीं था। वो जानते थे कि धोखे से मुझे करबला बुलाया जा रहा था, फिर भी वो गए क्योंकि उन्होंने वादा किया था अपने नाना से और वो वादा निभाया उन्होंने। तो अब बारी हम उम्मतियों की है कि हम मौला हुसैन को उनकी कुर्बानी का क्या अजर देते हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें हक के राह पे चलना चाहिए और जालिम के आगे अपना सर जो है कभी नहीं झुकाना चाहिए, और बात हमेशा हक की करनी चाहिए, चाहे उससे हमें नुकसान हो या फ़ायदा हो, पर बात हमेशा हक से कीजिए, सच्ची कीजिए और नमाज़ अदा कीजिए और फ़ख्र कीजिए कि हम मुसलमान हैं। और अल्लाह के रसूल ने हमारे सुपुर्द दो ऐसी कीमती दौलतें अता की हैं, तो एक जो है कुरान मजीद है, जिसका एक बार आप तर्जुमा पढ़ लीजिए तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। और दूसरी है अहले बैत, तो अहले बैत से मोहब्बत रखें, ना कि उनके लिए कोई कीना मन में पाल के रखें, क्योंकि वो हमारी रहनुमाई के लिए सबसे बड़ा सबब है। तो आप जो है उनकी किसी भी इमाम की, आप किसी भी ज़िंदगी का एक भी किस्सा उठा लीजिए तो आपको हमेशा दर्स हासिल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वाकयात करबला सुने और पढ़ें ताकि आपको मालूम हो कि हमारे मौला ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं।
ये जो है हमारे उम्मतियों पर बहुत बहुत बड़ा एहसान है मेरे मौला का कि हमें एक ऐसी चीज़ अता करके गए हैं कि जिससे हम मोमिन के दिल जो है ये वाक़ियात करबला सुनने और पढ़ने के बाद मोम के हो जाते हैं और हमें अंदर से ही ऐसा होता है कि कहीं किसी का दिल हमसे ना दुख जाए या किसी यतीम का दिल हमसे ना दुख जाए। तो ये जो बातें हैं अगर आप एक बार पढ़ लें और जहन में उतार लें कि सिर्फ़ हमें ये मौला के नक्शे कदम पर चलना है, उनकी रहनुमाई के हिसाब से चलना है, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। और हम जो है इंसान बशर है, हमसे हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है, पर उस गलती का जो है एहसास जो हमारे दिल में जब आने लगता है तो आप समझ जाइएगा कि आप हक पर हैं, क्योंकि सही बात उसी के जहन और दिल में आती है कि जो सोचता है, एहसास करता है, महसूस करता है। तो हम जो है अपने अल्लाह ताला से फौरन उसकी तौबा कर लेते हैं और दोबारा ये गलती न दोहराए, ऐसी दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला है जो हमें बख्शने वाला है, वो रहीम है, करीम है। पर हम वसीला इमाम हुसैन और शहीदाने करबला का देकर अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरी करता है और वो जो दुआएं होती है कभी हमारी खाली नहीं जाती। तो बस आप सबके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआओं को कबूल करे और हमने जो जो नियाज नज़रें जो और जो कुछ भी पढ़ के बख्शवाए अल्लाह ताला हमारा कबूल फरमाए और मौला हुसैन कबूल फरमाए। तो आज जो है जितनी भी रेसिपीज़ मैंने बनाई थी वो आपके साथ मैं फुल डिटेल्स नहीं दे पाई हूँ आपको, तो उसके लिए माजरत है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ये चीज़ें बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी, तो वो आप माइंड मत कीजिएगा। और वैसे भी आज का दिन बहुत मखसूस है तो मुझे नहीं लगा कि मैं आपके साथ कोई और बात कर पाऊँगी या आपको रेसिपी दे पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं कोई बात कर सकूं, क्योंकि मेरा सारा जहन जो है वाक़ियात करबला की तरफ ही लगा हुआ था और असर होते वक्त तो मुझे सारे मंजर जो थे वो याद आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मंजर मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तो यकीन जाने मेरा दिल बहुत उदास था और मैं बार बार जो है मेरी आँखों में आंसू आ जाते थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं और कोई बात करूँ या इन बातों में से अपना ध्यान हटाऊँ। और मुझे फटाफट से जो है नियाज बनानी थी और उसके बाद जो है इस बीच असर का टाइम भी हो रहा था और मुझे असर की नमाज़ भी पढ़नी थी, तो फिर मैंने फटाफट से अपना काम निपटा लिया और थोड़ा और वक्त था तो मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठ गई थी और फिर असर का टाइम हो गया था तो मैंने असर की नमाज़ अदा की है। तो हम सबको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जितने ही मखसूस दिन हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो उसे हम बजाय किसी और बातों में या किसी और चीज़ में लगाने से बेहतर है कि हम नमाज़ अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। तो जी नमाज़ में पढ़ने बैठी रही थी और उसके पहले मैंने अपना सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया था और मुझे राह देखनी थी कि पुलाव और वो सब दम पे आ जाए। तो नमाज़ के बाद जो है वो सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी तो मुझे फ़ाइनली उसमें थोड़ा सा काम बाकी था और पुलाव जो है वो दम पे रखा हुआ था और दाल है मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी तो उसे मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है और फातिया देना था इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा कि आप वज़ू बना लें तो फिर आपको मैं दे दूँ तो आप फातिया दे दें, ताकि मुझे ये फिर तकसीम भी करना था। और मैंने आज दाल पुलाव शाम को और दूध कोल्ड ड्रिंक बनाया था उस पर मैंने जो है नज़र दिलवाई थी और जहाँ जहाँ भी मुझे देना था वहाँ मैंने उसे भिजवा दिया था और माशाल्लाह से मेरा पूरा दिन जो है मेरे दिल को सुकून था कि हाँ अच्छे से गुजरा है। और अल्लाह ताला से मैं आप सबके लिए दुआएं मांगती रहती हूँ और आप भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, क्योंकि एक यही ज़रिया है हम मोमिन का जो एक दूसरे को दुआएँ देते रहते हैं तो हमारे बिगड़े काम जो है वह आसान हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।